हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेन वशिष्ठ अपने यूट्यूब चैनल वेट फॉर वेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डॉग्स में ईयर हीमटमा क्या होता है। वैसे तो हीमटमा एक जनरल टर्म है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जब भी किसी डॉग को कोई इंजरी होगी, किसी स्पेसिफिक रीजन कोई स्क्रैच करे या सेल बाइट करे, तो उस कंडीशन में स्किन के नीचे जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं, और रप्चर होने की वजह से ब्लड ऊज आउट करता है और एक वहां पर पॉकेट सी डेवलप हो जाती है। ये हीमटमा डॉग के अंदर सबसे कॉमन होता है ईयर्स में। ईयर हीमटमा तब होता है जब मान लीजिए एनिमल को किसी तरह का इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, या फिर उसको कान में टिक का प्रॉब्लम है, फ्ली का प्रॉब्लम है, या माइट का प्रॉब्लम है, या एलर्जी बनी हुई है, डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में एनिमल सेल्फ इंजरी करता है। एनिमल खुद को स्क्रैच करता है और स्क्रैच करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और रप्चर होने की वजह से वहाँ पर धीरे धीरे ब्लड ऊज आउट होने लगता है, और ये ब्लड धीरे धीरे ईयर फ्लैप के अंदर भरना शुरू करता है, और इसकी वजह से ईयर फ्लैप में धीरे 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 बैलूनिंग होने लगती है। ऐसी कंडीशन को ईयर हीमटमा कहते हैं, जिससे कि एनिमल को क्विक रिलीफ हो वो है सर्जरी। तो हम सर्जरी करते हैं। आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ईयर हीमटमा किस तरह का होता है। आप देख सकते हैं कि ईयर हीमटमा में पूरा ब्लिस्टरिंग आप देख रहे हैं सामने, और ईयर का जो कलर है, स्किन का जो कलर है, वो भी चेंज हो गया है, और काफ़ी जब आप ईयर को टच करेंगे तो इट विल लुक यू नो फ्लबी, एक लूज टाइप का आपको फील होगा, जैसे कि बैलून के अंदर पानी भरा होता है, इसी तरह का आपको कुछ कंसिस्टेंसी आपको फील होगी। ऐसी कंडीशन में एनिमल को पेन होता है, इसके लिए पेन किलर देने की जरूरत पड़ती है, और कुछ एंजाइम्स भी हम दे सकते हैं जिसकी वजह से जो क्लॉट्स हैं ईयर के अंदर, जो कि ब्लड है, तो ब्लड को क्लॉट होने की प्रोसेस वहाँ पर होती है, जिसकी वजह से वहाँ क्लॉट बनने लगते हैं, और उन क्लॉट्स को भी दूर करना। कई बार क्लॉट्स में गांठें पड़ जाती हैं, और ये जो गांठें होती हैं ये हीलिंग की जो प्रोसेस है उसको हिंडर करती हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के टाइम में हम ईयर फ्लैप पे इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के बाद जितना भी ब्लड है उसको ड्रेन आउट करते हैं, और अंदर जितना भी क्लॉट, एक नेट टाइप का मटेरियल, जाल टाइप का आपको वहाँ पे महसूस होता है, वो सारा का सारा मटेरियल, क्लॉटेड मटेरियल, वो सारा हम बाहर निकालते हैं। फाइब्रिनस मटेरियल होता है बेसिकली, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसमें बीटाडीन वगैरह इंसर्ट करके, और पूरे ईयर में जहाँ जहाँ हमें लगता है उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया को हम वहाँ पे लाइगेशन करते हैं, और कुछ दिन, 7-8 दिन, 10 दिन के बाद वो एनिमल ठीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में एक लॉस ये होता है कि चूँकि ईयर के अंदर कार्टिलेज होता है, और जब सूचनिंग होती है तो पूरा का पूरा ईयर विद कार्टिलेज कभी कभी वो लिया जाता है, तो जिसकी वजह से ईयर का जो कार्टिलेज है वो जगह जगह से डिस्ट्रप्टेड हो जाता है, और ईयर कई बार, अगर मान लीजिए जर्मन शेफर्ड है, तो ईयर जो उसके इरेक्ट होने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, और शायद एनिमल कभी फर्दर उस कान को खड़ा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी अदर ड्रग्स हैं, आप अपने वेटरिनरियन से संपर्क कर सकते हैं, और उन ड्रग्स का इस्तेमाल करने से इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सकता है। और भी तरीके हैं, तो फिलहाल हीमटमा अगर ईयर के अंदर है तो उसका जो लास्ट तरीका है और जो सबसे सक्सेसफुल तरीका है वो है सर्जरी। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब सर्जरी होती है तो आपको पता ही है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के टाइम एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एंटी एलर्जी और ये सारी। और फर्दर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एनिमल सर्जरी के बाद अपने ईयर को स्क्रैच ना करे, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन होता है उसको और वो स्क्रैच करने की कोशिश करता है, तो स्क्रैच ना करे। इसके लिए आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, इस तरह से ड्रेसिंग कर सकते हैं कि वो अपने पॉज से ईयर तक ना पहुंच पाए, या एलिजाबेथ कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिजाबेथ कॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस फॉर कंट्रोल ऑफ सेल्फ स्क्रैचिंग इन डॉग्स। तो इसका इस्तेमाल करने से एनिमल अपने ईयर तक अपने पॉज को नहीं ले आ सकता, और जो हीलिंग का प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा।